गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 5 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, प्रश्न नंबर 16 से आगे बनाएंगे, जिसमें से प्रश्न 16 इस प्रकार है कि यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 होता है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है ना, जो भी दिया है एक बार आप लोग को लिखना है कि दिया है कि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, ठीक। उसके बाद सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना है, कॉस थीटा प्लस माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2। अब देखो जो दिया है उसको लेते हुए बनाएंगे, तो हमारा क्या दिया था, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन तो सेम रहेगा, है ना, पाई कॉस थीटा के फॉर्म में, लेकिन मैं कॉस को अगर साइन में चेंज करूँगा तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लस और माइनस लिखा हूँ। यहाँ से मैं साइन साइन को कैंसिल आउट करूँगा तो पाई कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पाई साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई कॉस थीटा इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस माइनस का माइनस प्लस, इधर हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि प्लस इधर आके माइनस और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पाई और पाई आपका बाहर आएगा और इसके साथ कटेगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1/2। अब मैंने क्या किया है कि दोनों पक्षों में 1/√2 का क्या करेंगे, गुणा करने पर, है ना, दोनों पक्षों में 1/√2 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/√2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कॉस थीटा का कॉस थीटा 1/√2 का मान क्या है आपका, कॉस पाई बाई 4 का मान है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा ये किसका मान है, साइन पाई बाई 4 का मान है, इधर 1/√2 हो जाएगा, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एक सूत्र है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र होता है, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस क्या हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू है, 1/√2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हम लोग का राइट हैंड साइड है, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। यहाँ पे देखो कॉस बीच में माइनस होने पर प्लस होता है और प्लस होने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही हम लोग का सेकंड पक्ष है। तो हमको कुछ करना नहीं है, जो दिया है कॉस को साइन में चेंज करेंगे और साइन साइन को कैंसिल आउट करेंगे, जो बच्चा एक बार लिख लेंगे उसके बाद सबको एक साइड ले लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/√2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका एक सूत्र बनेगा, वही सूत्र आपका राइट हैंड साइड है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को भेज दिया जाएगा, इसी प्रकार बनेगा, है ना। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, आज मैथ्स के जितने भी विद्यार्थी हैं एक एक बार मेरे को आज आप सब लोग कॉल करेंगे, है ना, ठीक। और आप लोग के कुछ जानकारी लेना है तो सबका नंबर तो शायद नहीं भी होगा, किसी का नहीं लगता है, तो जितने भी मैथ्स के विद्यार्थी हैं एक एक बार आप लोग कॉल कीजिए, आप लोग को कुछ जानकारी लेना है मैथ्स के बारे में। फिर हम लोग कल से नया प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7, दो प्रश्नावली बचा हुआ है, 8 में तो कुछ नहीं है। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो कुछ लोग बहुत पीछे हो गए हैं तो उनको भी साथ में लेके चलना है, तो एक बार आप लोग ज़रूर कॉल कीजिए। धन्यवाद।